अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल चिकन बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पतीली में 1 कप हम तेल डालेंगे। ये 3 अदद प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब हम इन्हें डालेंगे, प्याज को डालेंगे ऑयल के अंदर। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखें, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब प्याज को निकाल लेंगे हम। सारी प्याज निकाल लेंगे। अभी ऑयल के अंदर हम खड़ा गरम मसाला, 3-4 अदद तेज़पत्ता है, 2 अदद बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें लौंग डालेंगे 3 से 4 अदद, जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, बड़ी इलायची डालेंगे 2 अदद, दालचीनी डालेंगे और छोटी इलायची डालेंगे 2 अदद। इन सबको डाल के तेल के साथ फ्राई करेंगे। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए गरम मसाले में से। अब हम चिकन डालेंगे। चिकन मेरे पास 750 ग्राम है। चिकन को फ्राई करेंगे। इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने, चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको भूनना है। कलर चेंज हो गया। इसके अंदर 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालेंगे हम। आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। वन टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे हम। और इसे फ्राई करेंगे मसाले के साथ चिकन को। इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए हम। 5 मिनट हो गए, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखें, चिकन हमारी गल गई है। चिकन को हमने फुल नहीं गलाना है, हाफ हमने इसको गलाना है, हाफ डन करना है हमने इसको। ये 3 से 4 अदद आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था 1 टीस्पून फूड कलर के साथ। आलू डाल के मिक्स करेंगे मसाले के साथ इसके, और चिकन आलू को साइड में करेंगे, बीच में हम इसकी जगह छोड़ेंगे। और इसके अंदर 1/2 कप पानी रहना चाहिए नीचे मसाले में। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने लंबाई में काट लिया है, ये डालेंगे हम साइडों पे। टमाटर डालेंगे 4 से 5 अदद हैं, इनको भी मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। लेमन है 3 अदद, इनको भी स्लाइस में काट लिया है। सब चीज़ें इस तरह से हम लगाएंगे। हरा धनिया पुदीना है 1/2 बंच, ये भी हम इसके ऊपर काट के डालेंगे। ब्राउन की हुई प्याज डालेंगे, जो हमने पहले ब्राउन की थी वो डालेंगे। इस तरह से हम सब तरफ
हाफ कप दही है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून फूड कलर डाला है और इसको मिक्स करके ये डालेंगे हम प्याज के ऊपर दही और इसे कवर कर देंगे। मसाला तैयार है। एक पतीली में हम पानी बॉईल करेंगे, उसके अंदर 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 बादियान का फूल डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, 2 अदद 3 से 4 अदद लौंगे डालेंगे, 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे हम। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसे ढक के बॉयल होने देंगे पानी को। पानी बॉयल हो गया है। ये मेरे पास सेला चावल है, ये मेरे पास 750 ग्राम सेला चावल है, इनको बॉयल करेंगे। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और इसे बॉयल होने देंगे। ये देखें चावल बॉयल हो गए। 5 से 10 मिनट लगेंगे चावल बॉयल होने में। चावल में 1 कनी रहनी चाहिए, हमने इसको फुल डन नहीं करना है। और इसका पानी निकाल देंगे अब हम चावलों का। बॉयल किए हुए चावल हम इस मसाले पे डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया। इस तरह से सारे चावल डालेंगे। 1 टेबलस्पून केवड़े में हमने फूड कलर डाला है और इसे हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके अंदर हमने अच्छी सी स्टीम देनी है और इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखें बिरयानी में अच्छा सा दम आ गया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। देगी स्टाइल चिकन बिरयानी तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है। माय कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आप लोग भी ट्राई करें। फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।